क्वेश्चन, हिंदी राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर समीक्षा करें, या ऐसा भी पूछ सकता है हिंदी को विश्व भाषा क्यों माना जाना चाहिए स्पष्ट कीजिए, या क्या हिंदी विश्व भाषा के मानकों से समतुल्य है वर्णन कीजिए, या ऐसा भी पूछ सकता है हिंदी राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर उसकी समीक्षा करें, या ऐसी भी पूछ सकता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर अग्रसर हो रही है, इसका क्या क्या कारण हो सकती है, ऐसे भी पूछ सकता है। यानी कि हिंदी से विश्व भाषा की ओर बढ़ते क्रम भी पूछ सकता है, तो सबका एक ही आंसर होगा। यह कोर 14 है, हिंदी ऑनर सेमेस्टर 6, और यह चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 कोर 14 का। तो इसका आंसर होगा हिंदी विश्व का एक प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारा राजभाषा भी है, जो कि भारत का राजभाषा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद ही हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्य की राजभाषा भी है। राजभाषा बनने के बाद हिंदी ने विभिन्न राज्यों के कामकाज में आपसी लोगों से संपर्क स्थापित करने का अभिनव कार्य किया, लेकिन विश्व भाषा बनने के लिए हिंदी को अब भी पूरी दुनिया के 129 देशों के समर्थन की आवश्यकता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है, उससे यह संभावना जता सकते हैं कि शीघ्र ही हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में शामिल कर लिया जाएगा। हिंदी ने भाषा, व्याकरण, साहित्य, कला, संस्कृत के सभी माध्यमों में अपना प्रयोगिता, प्रासंगिकता एवं वैचित्र्य कायम किया है। हिंदी की यह स्थिति हिंदी भाषिया और हिंदी समाज की देन है, लेकिन हिंदी समाज का एक तबका ही हिंदी की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। अंग्रेजी बोलने वाला ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी होता है, यानी धारणा हिंदी भाषाओं में ही भावना ग्रसित करती है। हिंदी भाषाओं को इस हीन भावनाओं से उबरना होगा, क्योंकि मातृभाषा में ही मौलिक विचार आते हैं। शिक्षा के माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विचार करना सिखाती है और मौलिक विचार उसी भाषा से हो सकती है जिस भाषा से आदमी सांस लेती है, जीता है। जिस भाषा से आदमी जीता नहीं, उसकी मौलिक विचार नहीं आ सकते हैं। हिंदी किसी भाषा से कमज़ोर नहीं है, क्योंकि यह विश्व में तीसरे सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। हमें ज़रूरत है तो बस अपनी आत्मविश्वास मजबूत करने की। चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोलने जाने वाला विश्व की अब दूसरी भाषा बन गई है, सबसे बड़ी भाषा है। भारत और अन्य देशों में लगभग 70 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते, लिखते, समझते हैं, और बांग्लादेश, पाकिस्तान ये तो अधिकांश आबादी हिंदी बोलती और समझती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत,
म्यांमार, अफगानिस्तान में भी लाखों लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। फिजी, सूरीग्राम, गुयान, त्रिनिदाद जैसे देश तो हिंदी भाषाओं द्वारा ही बसाए गए हैं। एक तरह से देखें तो पूरी दुनिया में हिंदी भाषाओं की संख्या लगभग 100 करोड़ है। आज हिंदी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिंदी भाषा प्रेम, मिलन और सौहार्द की भाषा है। यह मुख्य रूपों में आर्य और फारसियों की देन है। हिंदी के ज़्यादातर शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। इस कारण हिंदी अपने आप में एक समर्थ भाषा है। जहां अंग्रेजी के मात्र 10,000 मूल शब्द है, वहीं हिंदी का मूल शब्द लगभग 2,50,000 से भी अधिक है। 20वीं सदी के अंतिम दो दशक में हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ। विश्व में लगभग 150 विश्वविद्यालय तथा सैकड़ों छोटे छोटे केंद्र में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर स्रोत के स्तर तक हिंदी का अध्यापन की व्यवस्था हुई। विदेशों से हिंदी में दर्जनों पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। हिंदी भाषा और उसमें निहित भारत की संस्कृति धरोहर सदृश और समृद्ध है जिसका विकास की गति बहुत तेज है। लेकिन यह ऐसी विडंबना है कि जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारत में समझा जाता है, उस भाषा के प्रति घोर अपेक्षा और अवज्ञा का भाव हमारे राष्ट्रीय हितों में इस प्रकार सहायक होंगे कि हिंदी की हर दृष्टि में इतना महत्व होता हुआ भी प्रत्येक स्तर पर इनकी अपेक्षा क्यों। हिंदी हमारा मातृभाषा है और हम उसके आदर्श और सम्मान करना चाहिए। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि का एक नया विकास का कारण हिंदी है। कहीं अपना महत्व खो दी है। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हर कोई अंग्रेजी को बोलना और सीखना चाहता है और किसी प्रकार की मांग भी है। हालांकि हमें अपने मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहिए और इसमें भी रुचि लेना चाहिए और सफल होने के साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोनों का ज्ञान एक साथ होना चाहिए। किसी भी देश की भाषा और संस्कृति किसी भी देश के लोगों से जोड़े रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हिंदी भाषा प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास को उजागर करती है और भविष्य में हमारी महान पहचान पूंजी है। या एक दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए बहुत आसान और सरल साधन प्रदान करती है। या विविध भारत को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण निभाती है। इसीलिए संपर्क भाषा के रूप में कही जाती है। साक्षर से निरक्षर तथा प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ सकते हैं, पर प्रांतीय अथवा अन्य भाषाओं के बीच हिंदी का प्रयोग करवा अपने विचारों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय कर्तव्य एवं अधिकार की दृष्टि में हिंदी भाषा का प्रयोग एवं प्रचार हेतु मनाया जाने वाला हिंदी दिवस एक हिंदी पखवाड़ा का विशेष महत्वपूर्ण है, जो न केवल हिंदी में प्रयोग का अवसर प्रदान करता है बल्कि इस बात का ज्ञान दिलाता है कि हिंदी का प्रयोग भारतीय जनता का अधिकार है जिसे इससे छीना नहीं जा सकता है। हम हमारे जानते हैं कि हम बड़े जन समुदाय वाले देश में अपने अधिकार की लड़ाई आसान नहीं है। यदि महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय
राजश्री पुरुषोत्तम दास खंडन, आचार्य केशव सेन, काका कलिकर तथा गोविंद वल्लभ पंत जैसे महान व्यक्तित्व ने अनेक वर्षों के लिए अथक प्रयास से हमें हिंदी को राजभाषा कहने का अधिकार मिला, तो हमें उसे क्यों छोड़े। स्वतंत्रता के बाद हिंदी और देवनागरी की मानवीकरण की दिशा में अनेक क्षेत्र में प्रयास हुए। हिंदी का विकास में अनेक लोगों को महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी भारत की संपर्क भाषा भी है, अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है। भारत की राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा बहुत बड़ी योगदान है। हिंदी दिवस के अवसर पर आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरी मनाएंगे मानव योग से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में अपना निस्वार्थ सहयोग प्रदान कर हिंदी भाषा के बल पर भारत को फिर से विश्व गुरु बनवाने का सकारात्मक प्रयास करेंगे। कोई भी भाषा और समृद्ध मानी जाए तो उसमें साहित्य भी समृद्ध हो। आदिकाल से जब अब तक हिंदी के आचार्य संतों कवियों विद्वान लेखक एवं हिंदी प्रेमियों ने अपना उत्कृष्ट ग्रंथ अद्वितीय रचनाओं एवं कवि विद्वान लेखों में हिंदी प्रेमियों में अपने उत्कृष्ट ग्रंथ अद्वितीय रचनाओं एवं लेखकों में हिंदी की समृद्धि किया, परंतु हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने विचार भावों एवं मतों की विविध विधाओं के माध्यम से हिंदी की अभिव्यक्त करें और इसे समृद्ध अपना योगदान दें। ये थे हिंदी भाषा जो कि राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा की ओर विकसित हो रही थी उसके बारे में समीक्षा के हिंदी ऑनर्स कोर 14 की सेमेस्टर 6 बुक का चैप्टर नंबर 1 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस द अनदर अपडेट। थैंक यू एवरीबडी।